वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज आप लोगों को एक घोड़ा बतलाने के लिए कारवान में, हैदराबाद कारवान। और ये जो घोड़ा है हंदा है और चलने वाला है, यानी ये इस वजह से मैं बतला रहा हूँ, ये नुख्स एक अपनी जगह, लेकिन जो नए राइडर्स हैं जो बेसिक राइडिंग सीखना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से कहीं जाता नहीं। और इनकी और भी क्या क्या डिटेल्स है ये सब हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या नाम है आपका? अखिल नाम है भाई। अखिल भाई, आपका एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है कारवान? पाकिजा होटल के पास जो है। कारवान पाकिजा होटल के पास? जी हाँ। वहाँ पर भी अगर आए तो पिक कर लेंगे? पिक कर लेंगे। या टप्पा चबूतरा ओल्ड पी एस के पास में भी आए तो उसके बिल्कुल पिक कर लेंगे। ठीक है। तो आपके पास ये जो घोड़ा है, तीन पैर पर सॉक्स है इसके और एक पैर पर जवाब भी है। जी हाँ। वाइट है, पलटाइए आप उसको साइड। कंडीशन नॉर्मल है, देखिए एवरेज है, यानी बहुत ज़्यादा दुबला नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। आप लोग लेके तैयारी कर ले सकते हैं। पीछे के पैर पे फुल सॉक्स है, चेहरे का ब्लेस पूरा खुला है। कौन सी नस्ल में है ये? काठियावाड़ी में और मारवाड़ी में मिक्स। मारवाड़ काठियावाड़ मिक्स है। और क्या हाइट है इसकी? इसकी 61 आती है। 60 पकड़ लीजिए। 61 के आसपास इसकी हाइट है। उम्र क्या है इसकी? 6 साल है। 6 साल है, यानी पक्का घोड़ा है। जी हाँ। और इसको जो दो आँखों में नहीं दिखता उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, जैसे खाने करने में? कुछ भी नहीं है भाई, खाता करता सब अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इस वजह से कंडीशन है। रनिंग भी जो है बराबर अच्छी है पूरी, जैसा अपनी आवाज़ जैसा देंगे आवाज़ पे होने। पैरों में कोई स्वेलिंग वगैरह भी नहीं? कुछ नहीं है। इसकी चला के लाइए आप ऐसे ही। और सबसे मेन देखिए, ना मारने वाला है ना कतरने वाला है। नॉर्मली घोड़े कतरते या जैसे लात मारते वैसे नहीं है, जैसे आप चलाएंगे वैसे चलने वाला है। राइडिंग बतला सकते हैं आप इसकी? जी हाँ। बैठ जाइए। ये देखिए आप, राइडिंग के लिए भी एकदम चालू है और कान वगैरह अच्छे हैं इसके। पंचकलिया ने जैसे मैं आप लोगों को बताया था, तीन पैर वाइट है, एक पैर पे जवाब है इसके, चेहरे पे ब्लेज भी है। और जहाँ आप रोक रहे हैं जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा ना है? जी हाँ। पलटा ले। छड़। तो बेसिक राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग फायदा उठा सकते हैं इससे। आप लोग आके विजिट करके देखिए। और सबसे मेन रह गई बात इसके प्राइस की, क्या रख रहे हैं आप इसका आस्किंग? 35,000 आस्किंग। स्टैलियन है गिल्डेड है? स्टैलियन है। नर घोड़ा है? जी हाँ। चलिए स्टैलियन आ जा रहा है आप लोगों को। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसा अंधेरी रहती उस टाइप का काम होता है, यानी आँखों में इसके फूल है दिखता नहीं, लेकिन खाने में राइडिंग में हर चीज़ में अच्छा है। हाइट भी अच्छी है इसकी, स्टैलियन नर घोड़ा है। तो आप लोग आइए विजिट करके देख के लीजिए। 35,000 में नेगोशियेबल भी रहेगा? रहेगा भाई, स्लाइटली कम भी हो जाएंगे, स्लाइटली नेगोशियेबल भी कर देंगे आप। ठीक है। और कुछ है आपके पास? यही है। यही है। चलिए, जो भी इंटरेस्टेड हो, स्पेशली सस्ते घोड़ों का जिसको डिमांड हो, या फिर किसी के पास अगर राइडिंग स्कूल वगैरह है, आप लोगों को अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोग आके देख के ले सकते हैं। देखें इसी तरह और भी बहुत सारे अपडेट्स बताऊँगा मैं। डिस्क्रिप्शन के नंबर पर कॉल कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।